एक बार फिर से हम लोग अपना जो 9 मार्च का जो एडिटोरियल है उसको लेकर के हम लोग कंसर्न हो रहे हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्या है जी, मतलब कि किस चीज़ के रिगार्डिंग ये आना चाह रहा है या किस चीज़ के रिगार्डिंग ये बात कर रहा है। तो ये बेसिकली बात जो कर रहा है वो तो कर रहा है हरियाणा में जो रिजर्वेशन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में उसके रिगार्डिंग है वैसे तो ये, ठीक है। तो क्या चीज़ है वो अभी हम लोग देखेंगे इस पूरे आर्टिकल में, ठीक है। तो द अलार्मिंग डिक्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, एक तो पहली बात तो ये कि डिक्टेट का मतलब होता है किसी प्रकार का जब ऑफिशियल ऑर्डर जब इशू होता है अथॉरिटी की तरफ से, ठीक है ना, और वो भी काफ़ी हार्श ऑर्डर। हार्श का मतलब जो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो, जो काफ़ी ज़्यादा कड़वा हो या काफ़ी ज़्यादा अच्छा ना हो, फेवर में ना हो, पॉजिटिव ना हो, नेगेटिव हो, उस चीज़ के लिए। ऑन सत्यदेव नारायण आर्य असेंट, है ना। सत्यदेव नारायण है जो वहाँ के हरियाणा के जो गवर्नर है, उनके द्वारा जो इशू किया गया है ये एक प्रकार का ऑर्डर। क्या ऑर्डर है? हरियाणा का जो न्यू लॉ है 75% जॉब्स का लोकल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है ना, इज़ अ हार्बिंगर ऑफ डूम, ठीक है। जो हरियाणा में जो लोकल जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनमें भी रिजर्वेशन की बात कही गई है, ठीक है। और ये एक प्रकार की अनाउंसमेंट है, एक प्रकार की क्या चो आप कि समथिंग दैट प्रिसीड एंड इंडिकेट अप्रोच ऑफ समथिंग, ठीक है ना। ये एक अप्रोच कर रहा है, एक प्रकार के डूम की तरफ अप्रोच कर रहा है, एक ख़राब स्थिति की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। क्या सेंटेंस में बातें हो रही हैं, क्या चीज़ चल रहा है वो आगे एक बार देखते हैं। जो हरियाणा गवर्नमेंट सत्यजीत नारायण आर्या असेंट टू अ लॉ रेगुलेटरी प्राइवेट सेक्टर हायरिंग प्रोटेंट्स इज ए पोटेंशली पैरेलस स्लाइड्स, ठीक है ना, इन इंडियाज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक फ्रेम वर्क। पूरे सब्जेक्ट में, पूरे उसमें दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। एक तो ये कि हरियाणा गवर्नमेंट सत्यजीत नारायण आर्या जो है कि सब्जेक्ट है हमारा पूरा का पूरा, इसका जो वर्ब है वो प्रोटेंट्स है, ठीक है। प्रोटेंट्स का मतलब एक तरह से कह लो आप उम्मीदवार कह सकते हो, ठीक है ना। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा जो है वो हरियाणा के जो गवर्नर है इस समय सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है वो वर्ब हमारा वो प्रोटेंट्स है, इसमें कुछ खास और नहीं है। रेगुलेटरिंग का मतलब जो है वो इम्पोर्टेंट वर्ड के चक्कर में मैंने हाईलाइट कर रखा है। रेगुलेटरिंग का मतलब एक तरह से रेगुलेट करना होता है, और किसको रेगुलेट करना चाहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हायरिंग को रेगुलेट करना चाहते हैं। मतलब अभी तक तो रिजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में होता था, लेकिन वो चाहते हैं कि हरियाणा के जो लोकल लोग हैं उनके लिए भी हरियाणा में प्राइवेट जॉब्स रिजर्व हो जाए, उसको वो लॉ के अंडर लाना चाहते हैं, ठीक है। इसमें ग्रामर का एक रूल दिख रहा है गाइस, असेंट टू, है ना। असेंट टू का मतलब तो सहमति होना था, कंसेंट टू असेंट टू एक ही चीज़ है, ठीक है। आगे एक बार बढ़ते हैं थोड़ा सा। द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट ऑफ 2020, जो बिल जो कि अध्यादेश जो कि आ रहा है ना उसका नाम ये वाला है, ठीक है। क्या नाम है उसका? द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 6। अब ये चूंकि बिल सिंगुलर है, एक ही बिल है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल आया है, क्योंकि वर्ब में ऐसी एस लगने पर वो सिंगुलर हो जाता है। टू इंश्योर दैट 75% ऑफ ऑल जॉब्स विद ग्रॉस मंथली सैलरी ऑफ अप टू 50,000 आर प्रोवाइडेड टू द स्टेट अमन रेजिडेंस, है ना। क्या ये जॉब है? ये जो एक्ट है वो क्या कहता है? वो ये कहता है, ये इंश्योर करता है, इस बात की पुष्टि करता है कि 75% ऑफ ऑल द जॉब्स, सभी जितने भी जॉब्स हैं ना जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, उनकी 75% नौकरियों को जो है वो रिजर्व करेगा, मतलब कि अपने रेसिडेंट्स के लिए, लोकल स्टेट अपने रेसिडेंट्स के लोगों के लिए, यानी कि हरियाणा में जो है ना प्राइवेट सेक्टर में हरियाणियों को ही रिजर्व किया जा रहा है, किसी बाहर वाले को जो है वो रिजर्व बाहर रखा जा रहा है। मतलब जैसे कि आने वाले टाइम में ये एक तरह के, अभी हमने हेडिंग पढ़ी ना अभी, हार्बिंगर ऑफ डूम, मतलब ये एक तरह का अभिशाप हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी जाने की, कहीं भी बसने की, कहीं भी कोई व्यवसाय करने की परमिशन देता है। जैसे हमें बाहर जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है, आने वाले समय में भी हमें शायद हो सकता है कि ऐसा झेलना पड़े। ये रूल से तो यही निकल के आ रहा है, ये जो लॉ इन्होंने बनाया हुआ है स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द क्लैमर फॉर प्रिजर्विंग एक्टिविटी, प्रिजर्विंग एक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर यूज ऑफ सन्स ऑफ द सॉयल इज़ ए रिकरेंट थीम नाउ, ठीक है। ये जो शोर शराबा, ये जो शोरगुल हो रहा है किसका?
प्रिजर्विंग इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पे ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रिजर्व करने बचाने के नाम पे, फॉर द सन्स ऑफ सॉयल, मिट्टी के सपूतों के लिए, मिट्टी के लाल के लिए, मतलब जो वहाँ के लोकल लोग हैं, इसके लिए इज़ ए रिकरेंट थीम, वो समय वर्तमान का ना उनका ये थीम है, ठीक है। अच्छा, नाउ आंध्र प्रदेश हैज पास अ सिमिलर लॉ इन 2019, 2019 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश ने भी जो है एक ऐसा ही लॉ पास किया, ठीक है। एंड द मध्य प्रदेश हैज़ प्रॉमिस, मध्य प्रदेश ने भी क्या किया भाई, उसने भी प्रॉमिस किया कि भाई वो 70% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्व कर देंगे, ठीक है। हालांकि हरियाणा लॉ कुड फेस लीगल चैलेंजिंग, हरियाणा का जो कानून है वो लीगल चैलेंजेस को फेस कर सकता है, यानी कि इसको कोर्ट में जाना पड़ सकता है, ठीक है। क्यों, कुड का मतलब संभावना को बता रहा, क्योंकि जाना सक पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग कुड फेस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लाइक आंध्र प्रदेश डिड, भाई जैसे आंध्र प्रदेश को फेस करना पड़ता है लीगल चैलेंज, यानी कि कोर्ट के थ्रू जाना पड़ता है, उसी प्रकार से हरियाणा को भी जाना पड़ सकता है। इट इज़ ऑस्टेंसिबली फ्लाइज इन द फेस ऑफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है गाइज, पहली बात ध्यान रखना, फ्लाइज इन द फेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक क्लियर कट क्या है, फ्लाइज इन द फेस ऑफ है, ये एक तरह का मुहावरा होता है। फ्लाइज इन द फेस ऑफ का मतलब होता है किसी को ना एक तरह से डिसरिस्पेक्ट कर देना, किसकी डिसरिस्पेक्ट कर देना, कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट क्यों कर देना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है भाई कि सबको कहीं भी बसने की आज़ादी है, कहीं भी कोई काम करने की आज़ादी है, कोई मना ही नहीं है, उसी की ये डिसरिस्पेक्ट कर रहा, उसी के फ्लाइज ऑन द फेस ऑफ कर रहा है ये, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन में भी किस चीज़ की, स्पेशली द आर्टिकल 91G एंड 16(2), इन दो आर्टिकल्स की वो खास तौर से मतलब कि अवहेलना कर रहा, उसको क्रिटिसाइज कर रहा, उसको कंडेम कर रहा है, उस पर कमेंट कर रहा है, ठीक है। ऑपरेशनली द लॉ इम्पोजेज ऑनरस एंड कंटेंशियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। द लॉ इम्पोजेज है ना, लॉ इम्पोज करता है ऑनरस, डिफिकल्ट, ऑनरस का मतलब होता है डिफिकल्ट या बर्डन सम भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, आप लोग देखो गया था बर्डन सम लिखा हुआ है, बर्डन सम कहता है भारी भरकम सा या मुश्किल सा। एंड कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल होता है, कॉन्ट्रोवर्शियल एक एडजेक्टिव भी है, ठीक है। तो इसका मतलब कि भारी भरकम और कॉन्ट्रोवर्शियल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे लागू कर रहा है, फॉर्म्स पे, जो पर्सनल फॉर्म है, पर्सनल का मतलब हो गया गाइस ध्यान रखना है, भाई पर्सनल लिखा हुआ है, पर्सोनल ऑफ द फॉर्म्स लिखा हुआ है, सॉरी नॉट पर्सनल लिखा, पर्सोनल लिखा हुआ है, एक होता है पर्सनल, पर्सोनल NAL आता है, उसका मतलब व्यक्तिगत होता है या निजी होता है, इसका मतलब इम्प्लॉयज होता है या स्टाफ होता है, ठीक है, इम्प्लॉय होता है या स्टाफ होता है, ठीक है। तो पर्सोनल का मतलब ये होता है, इंक्लूडिंग दीज विद एज फार एज 10 इम्प्लॉयज, ठीक है। जिनके पास 10 इम्प्लॉय हैं उनके पर भी ये लागू होगा, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा उनके पर भी लागू होगा, जिनकी सैलरी 50,000 से कम है उन सभी फॉर्म्स के पर ये लागू होगा, ठीक है। देर आर क्रिटिकल एक्शन पॉइंट्स फॉर बिजनेसेस, ठीक है, देर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट एक्शन पॉइंट्स फॉर बिजनेस अटैच टू सेवरल मॉनेटरी पेनल्टीज फॉर परसीव्ड नॉन कंप्लाइंस, ठीक है। ऐसी बहुत सारी एक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है, अटैच्ड हैं, जो कि फाइनेंशियल मतलब कि अगर इसको नहीं फॉलो करने पर मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई जाएंगी, मतलब कि मॉनेटरी का तो पैसा जुड़ रही है, पेनल्टी मतलब कि जो पेनल्टी लगाते हैं वो फाइन वगैरह लगाते हैं इस प्रकार से, तो मॉनेटरी पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी, ठीक है। नॉन अकम्प्लाइज का मतलब एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एक तरह से डिटेक्टेड, ठीक है ना, अलग कर देना एक तरह से, ठीक है। दे नीड टू रजिस्टर एवरी एम्प्लॉय अर्निंग 50,000, भाई उनको ये ज़रूरत है क्या करने की, रजिस्टर करने की, ठीक है, ऑफ हर एक एम्प्लॉय की जो क्या कर रहा है, मतलब 50,000 रुपये या 50,000 रुपये तक कमा रहा है, एज एन ऑफिशियल पोर्टल, ऑफिशियल पोर्टल पे, पोर्टल का मतलब एक तरह से उनकी जो वेबसाइट बनेगी ना इस चीज़ की, डाटा की, उसके रिगार्डिंग मतलब कि उस पर उनको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। एंड एम्प्लॉइंग 75% ऑल लोकल, और उसमें उसको ये भी डालना होगा कि उन्होंने 75% जॉब्स जो हैं वो लोकल्स को दी हैं, इन सब जॉब प्रिज्यूमेबली बाय रिमूविंग एग्जिस्टिंग नॉन हरियाणवी एम्प्लॉइंग बियॉन्ड द 25% लिविंग, ठीक है। इसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो 25% लिमिट से, अब देखो इससे पहले जिन कंपनियों में जब ये लॉ आ जाएगा तो इससे पहले जितनी कंपनियां हैं जिनमें 75% से ज़्यादा लोग नॉन हरियाणवी काम कर रहे हैं
उनको अपनी जॉब से इनको जो है ना रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ये लॉ आएगा उनको रिमूव करना पड़ेगा जो एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, जो नॉन हरियाणवी लोग काम कर रहे हैं 25% से ज़्यादा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ये इनको छोड़ के जानी पड़ेगी जॉब, ठीक है। ये इसके बारे में कह रहा है। आगे अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। मोस्ट प्रीपोस्टरस इज सीकिंग एग्जम्पशन, ठीक है। एग्जम्पशन टू द लॉ फॉर्म्स कैन हायर आउटसाइडर बाय प्रोवाइडिंग दैट लोकल कैंडिडेट फॉर डिजायर्ड स्किल आर नॉट अवेलेबल, है ना। अब वो इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ये हो जाएगा भाई कि आपके पास अगर स्किल है भी तो भी आप इस राज्य में या इस पर्टिकुलर स्टेट हरियाणा में जो है वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ जो है वो उसकी जो लॉ ऑफ द लैंड है वो उसकी परमिशन नहीं दे रहा है। वो ये कह रहा है कि उसके लिए आपके पास अब कोई जॉब नहीं है, ठीक है, स्किल होने के बावजूद। अपार्ट फ्रॉम पावर टू एंटर फॉर्म्स, अब यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम पावर्स टू एंटर फॉर्म्स प्रमाइसिस फॉर इंस्पेक्टर ऑफिशियल फॉर इंस्पेक्शंस ऑफिशियल विल डिसाइड इफ़ ए फॉर्म कैन हायर एन आउटसाइडर और शुड ट्रेन लोकल कैंडिडेट इंस्टीड। यहाँ पे दो तीन ग्रामर के रूल हैं और एक दो सब्जेक्ट वर्ब तो आप लोग मैच कर पा रहे होंगे, ठीक है। ग्रामर के रूल देख लेते हैं हम लोग। एक गाइस यहाँ पे रूल है अपार्ट फ्रॉम, ठीक है ना। एक तो होता है अपार्ट फ्रॉम और एक होता है बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड्स जो होता है वो नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है यूजली, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसका मतलब एडिशनल होता है, ठीक है। तो जो ऑफिशियल हैं वो डिसाइड करेंगे, मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो इंस्पेक्शंस हैं वो डिसाइड करेंगे, जो ऑफिशियल्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि फॉर्म को बाहर से हायर करना पड़ेगा या उसको लोकल के कैंडिडेट्स को ही ट्रेन करना पड़ेगा। दे बिकम प्रोफिशिएंट इनफ, ठीक है ना, दे बिकम प्रोफिशिएंट इनफ। वो प्रोफिशिएंट का तो स्किलफुल हो जाता है, और इनफ का मतलब होता है गाइज, देखो इनफ के दो मतलब होते हैं, मैं दोनों आपको बता देता हूँ। एक तो इनफ अगर एज ए एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है, एडजेक्टिव तब होगा जब ये नाउन के पहले आएगा। जैसे मान लो मैं कहता हूँ इनफ राम, ठीक है, तो नाउन से पहले आ गया तो इनफ क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन अगर किसी एडवर्ब के बाद आया, एडवर्ब का काम करेगा अगर वो क्या है, काम कर रहा है, मतलब कि देखो एडजेक्टिव का काम करेगा अगर नाउन से पहले आता है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव के साथ आता है तो फिर ये एडवर्ब का काम करेगा। अगर एडवर्ब से पहले, मतलब कि नाउन से पहले क्या आता है, नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा जैसे यहाँ पे काम कर रहा है। और अगर ये एडवर्ब से पहले आया तो इसका मतलब एडजेक्टिव से पहले आया तो ये एडवर्ब का काम करेगा, क्योंकि पैटर्न तो हमारा ऐसे चलता है, नाउन प्लस में एडजेक्टिव प्लस में एडवर्ब, ठीक है। तो इनफ दो तरीके से यूज सकता है, एडजेक्टिव की तरफ भी और एडवर्ब की तरफ भी। इंस्पेक्टर, दिस इज हार्क्स बैक टू एन इंस्पेक्टर आर सिस्टम। हार्क बैक एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है याद दिलाना। क्या याद दिलाना भाई, इंस्पेक्टर राज जब हुआ करता था कभी भी देश में, ठीक है, तो उस चीज़ को ये याद दिलाता है ये रूल। फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द स्टेट, ठीक है। डेसिडुएट का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हो परसुएट करना होता है मनाना, ठीक है ना, और डेसिडुएट नेगेटिव वर्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द स्टेट है ना, उसको नेगेटिव कर देगा या मना कर देगा ऑपरेट करने से कहाँ पे, इन द स्टेट। थस देखो डेसिडुएट फ्रॉम, डेसिडुएट के साथ एक प्रेपरेशन फ्रॉम आती ही आती है, और इसका सेम मतलब हो तो परसुएट करना, परसुएट के साथ टू आता है, डेसिडुएट के साथ फ्रॉम आता है, ये बात फिक्स है, ये ध्यान रखना, फिक्स प्रेपोजिशन का केस है ये, ठीक है। थस डिफीटिंग द आइडिया ऑफ बोस्टिंग लोकल जॉब्स व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज रनिंग हाई, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट क्या आपका सब्जेक्ट है और इज रनिंग क्या है आपकी वर्ब है। बट दिस नॉट जस्ट अबाउट हैपनिंग हरियाणा, ये हरियाणा को खुश करने के लिए, हरियाणा को हैप्पी करने के लिए नहीं है। इट बिकम अ डिफ़िकल्ट प्लेस टू डू बिजनेस, ठीक है ना, ये एक मुश्किल जगह भी बन जाएगी काम करने के लिए। अ सिंगल डिस्ट्रप्शन इन द गुड़गांव बैक ऑफिस ऑपरेशंस, ठीक है, सिंगल डिस्ट्रप्शन जो हैं, ठीक है, तो सिंगल आप लोग देख पा रहे होंगे सेंटेंस एक पूरा का पूरा देखते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है, द सिंगल डिस्ट्रप्शन ऑफ गुड़गांव बैक ऑफिस ऑपरेशन ऑफ ए ग्लोबल फॉर्म और सप्लाईज ऑफ ऑटो कॉम्पोनेंट्स ऑन द अकाउंट ऑफ द न्यू लॉ वुड बी डैमेजिंग टू इंडियाज आगे लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है आपका
ऑलरेडी फ्रेगाइल रेपुटेशन, इस तरीके से। तो आप लोग देखोगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है द सिंगल डिस्ट्रप्शन, सॉरी द सिंगल डिस्ट्रप्शन लिखा हुआ है, उसके बाद इसकी वर्ब जो है वो वुड बी डैमेजिंग लिखी हुई है, द सिंगल डिस्ट्रप्शन वुड बी डैमेजिंग टू इंडियाज ऑलरेडी फ्रेगाइल रेपुटेशन, इस तरीके से। तो बाकी जो चीज़ें बीच में आ रही हैं वो क्या क्या आ रही है, आपको पता है कि प्रेपरेशन के बाद आने वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेपरेशन के बाद आने वाला हमारा सब्जेक्ट जो है वो नहीं होता है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो हमारा सब्जेक्ट है वो नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट बचा क्या, वुड बी डैमेजिंग बचा। एक चीज़ और भी ध्यान रखना, ऑन द अकाउंट ऑफ का मतलब बिकॉज ऑफ होता है गाइस, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि जो नया लॉ है वो डैमेज कर रहा है इंडिया की जो पहले से ही जो धूमिल रेपुटेशन है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, या इस तरीके से उसको वो और ज़्यादा जो वो ख़राब कंडीशन में, वॉर्स कंडीशन में उसको जो है लेके आ जाएगा। रेपुटेशन एज अ स्टेबल ट्रस्ट वर्दी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन विद अ टैलेंटेड वर्कफोर्स, क्या क्या रेपुटेशन है जो उसकी फ्रेगाइल, देखो इसमें फ्रेगाइल एक वर्ड आया हुआ है गाइस, फ्रेगाइल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, या एडजेक्टिव की तरह काम करता है, है ना। जैसे कोई आप सामान खरीदने जाता हो, फ्रिज या टीवी वगैरह, तो उसके जो बॉक्स वगैरह या जो उसका पैकिंग का होता है ना, कार्टन वगैरह, उसके ऊपर लिखा रहता है ये फ्रेगाइल, ठीक है। इसका ब्रिटल भी होता है, BRITLE, फ्लिमजी भी होता है, इन सबका होता है कमज़ोर होता है बहुत ज़्यादा। रेपुटेशन एज अ स्टेबल ट्रस्ट वर्दी इन्वेस्टमेंट, है ना भाई, इंडिया की जो ऑलरेडी फ्रेगाइल रेपुटेशन है, ठीक है ना, ट्रस्ट वर्दी इन्वेस्टमेंट की, इन सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को वो क्या करेगा, ख़राब करेगा, और क्या ख़राब करेगा, जो लॉ है वो ख़राब करेगा। अ पॉसिबल इन्वेस्टर एग्जॉसिसाइड, है ना, इसका मतलब ये कंप्लीट एक ही वर्ड है गाइस, आपको आर्टिकल में एक ही वर्ड मिलेगा, इसका मतलब होता है मास माइग्रेशन, नाउन की तरह काम कर रहा है ये, और मास माइग्रेशन का होता था बड़े बड़े पैमाने पर जो है ना ट्रैवल करना या पलायन कर जाना। दिस रन्स, दिस सब्जेक्ट है, रन इसकी वर्ब है, दिस रन्स काउंटर टू द प्राइम मिनिस्टर एक भारत श्रेष्ठ भारत, ठीक है ना। ये प्राइम मिनिस्टर को ना, एक जो प्राइम मिनिस्टर ने जो नारा दिया था एक भारत श्रेष्ठ भारत का, उसको भी ये काउंटर करता है, उसको भी ये दायरे में लेके आता है सोचने के लिए, वन नेशन वन मार्केट, इसको भी दायरे में लेके आता है। इन सब स्लोगन्स को जो प्रधानमंत्री ने दिया था, इनको ये लॉ जो है वो क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। मतलब कि राइजिंग एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कुड स्पूर मोर स्टेट टू फॉलो सूट ऑफ द लॉजिक कुड बी एक्सटेंडेड टू इंटरनल कैपिटल फ्लोज नेक्स्ट, भाई एम्प्लॉयमेंट को देखते हुए ये आगे जिस तरह की इनसाइट, ये जो लॉ है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो और ज़्यादा स्पूर कर रहा है। स्पूर का होता है इनसाइट करना हो गया, इनकरेज करना हो गया, या ट्रिगर करना हो गया, एक तो सब भड़का रहा है मोर स्टेट्स, और स्टेट को टू फॉलो द स्विम सूट, है ना, सेम चीज़ को और सेम लॉजिक को फॉलो करें, ठीक है, और सेम ऐसा ही कुछ लॉ लेके आएँ जो कि ये, क्योंकि ये लॉ जो है हरियाणा का, ये और राज्यों को भी उकसाया, फिर राजस्थान भी कल को कहे कि हम राजस्थानियों को जॉब देंगे, बिहार का एक काम से बिहारियों को जॉब देंगे, तो इस प्रकार से जिसके पास जॉब्स कम हैं वो तो ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पाएगा, ज़्यादा जो है वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। बिहार सीएम नीतीश कुमार हैज़ ऑलरेडी पॉइंटेड आउट दैट बिहार डिपॉजिट इन द बैंकिंग सिस्टम आर नॉट मैच बाय क्रेडिट डिसबर्सल इन द स्टेट, भाई बिहार के जो सीएम है इस समय नीतीश कुमार, उन्होंने ऑलरेडी इस बात पे पॉइंट आउट किया हुआ है, ठीक है, बिहार का जो योगदान है ना, जो डिपॉजिट्स हैं बैंकिंग सिस्टम में आर नॉट मैच्ड, वो मैच नहीं खाती हैं बाई क्रेडिट डिस्बर्सल, है ना, क्रेडिट पेमेंट्स इन टू द स्टेट के अंदर। इट इज़ टाइम, डिस्बर्सल का मतलब होता है गाइस एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन या पेमेंट्स, ठीक है। इसमें जो सब्जेक्ट है, जो पहला सब्जेक्ट हमारा बिहार सीएम नीतीश कुमार, उसका सब्जेक्ट है, उसका वर्ब जो है वो हैज़ ऑलरेडी पॉइंटेड, बिहार डिपॉजिट का जो वर्ब है वो है आपका, चूंकि ये भी प्लूरल इसलिए आर नॉट आएगा, आर नॉट मैच पैसिव वॉइस में है। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ टाइम द सेंटर डेसिड्यूएड सच लेजिग्लेशन विच थ्रेटन्स टू नॉट ओनली अनलीश अ शॉर्ट ऑफ वर्क वीजा रिजाइन फॉर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, भाई इट इज़ टाइम, ये सही समय है, यह उचित समय है। इसके बाद हमेशा वर्क की सेकेंड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस दूसरा शुरू हो रहा है। द वैसे ग्रामर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ना, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम के बाद जो हमेशा वर्क की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस में राइटर कहना क्या चाह रहा है, राइटर ये कहना चाह रहा है कि भाई आने वाले टाइम में हमें वर्क वीज़ा लेना पड़ेगा, कि हमें अगर मान लो बिहार का, जैसे मान लो कोई बिहार का है, अगर वो मुंबई में जाके काम करना चाहता है, तो हो सकता है कि उसको वीज़ा लेना पड़े, जिस प्रकार से हम अमेरिका जाने के लिए या कहीं और जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता है,
ठीक है, तो इस प्रकार की लॉ जो है वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं और इस चीज़ों को इनकरेज कर रही हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें थोड़ा सा, ये वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, डाइवर्सिटी वैसे नाउन होता है, उसका तो वैरायटी होता है। अनलिश का मतलब होता है लूज करना गाइस, अनलिश का मतलब होता है लूज करना। रिजाइन का मतलब दो होता है, ध्यान रखना, अगर नाउन है तो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, अगर एडजेक्टिव है तो किसी चीज़ को शेक ही मारना होता है। ठीक है, मतलब कि लंबी लंबी फेंकना एक तरह से। ठीक है, तो वर्क प्लेस डाइवर्सिटी इम्बलाइजिंग मच वांटेड यंग फोर्स एंड रिपीटिंग, है ना। यहाँ पे वांटेड का मतलब आपका एक तरह से फ्लॉन्टेड है या फिर बोस्टेड है, शेक ही मारना, यहाँ पे ये भी हो गया। रैप्चरिंग का होता है आपका टीयर अपॉन होता है या ब्रेक अपॉन होता है, टूटना एक तरह से। ठीक है, द सोशल फैब्रिक, देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका रैप्चरिंग, उसके जो वर्ब है वो वुड बी है, द रैप्चरिंग वुड बी द शॉर्ट एंड अनस्टॉपेबल स्लाइड। द सोशल फैब्रिक विद दिस पुश फॉर अनसुलेरिटी वुड बी द स्टार्ट ऑफ एन अनस्टॉपेबल स्लाइड। ठीक है ना, डिटैचमेंट हो गया, सेग्रीगेशन हो गया। अनसुलेरिटी का मतलब क्या हो गया आपका, डिटैचमेंट या सेग्रीगेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारा का सारा था, इसमें और वोकैब आपको खुद से ढूंढनी है। ठीक है, खुद से आप इसको सर्च करो, इसमें और वोकैब का कोशिश करो, इसका एडिटोरियल लिखने का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप खुद से पहले एडिटोरियल को पढ़ें, उसके बाद ही इसको फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद ही इसको कर, और पूरे इंटरेस्ट के साथ सब्जेक्ट को वर्ब को छांटने की कोशिश करें, तभी आप सीख पाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में सभी को स्ट्रगल ज़्यादा लगता है, इसलिए आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर है। डिसिप्लिन लाइफ हमेशा जिए। ठीक है, एक चीज़ और लास्ट जो मुझे कहनी थी, इस वीडियो को आप लोगों को अगर बेनिफिट हो रहा है या आपको लग रहा है कि ये ठीक है, तो इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसको जितना ज़्यादा हो सके स्प्रेड आउट करें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तो देखेंगे आगे कोई नेक्स्ट एडिटोरियल क्या चीज़ है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।